फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पोटली अनीता की। आज हम बनाएंगे जामुन की पत्तियों की चाय। जी हाँ, ये मैंने इसमें डाल दिया है एक कप पानी, और ये मेरे पास है कुछ चार पांच जामुन की पत्तियां। ये मैंने अपने गमलों में ही लगाया हुआ है। गुठली डाल देते हैं गमले में तो हमारे पास जामुन का पौधा उग जाता है। 3 साल से मेरे पास वो पौधा लगा हुआ है। मैं उसकी कटिंग कर देती हूँ और मुझे पत्तियां मिलती रहती हैं। तो ये इनको हम डाल देंगे पानी में। पत्तियों को मैंने धो के अच्छे से साफ कर लिया है। अगर आप इसको चाय बोलेंगे तो आपको पीने का अच्छा दिल करेगा। अगर आप इसको काढ़ा बोलते हैं तो एकदम से नाक मुंह सिकोड़ने का मन करता है। तो आज हम बनाएंगे जामुन के पत्तों की चाय। तो इसमें हम उबाल आने देते हैं। जामुन के पत्ते हमारे शुगर के लेवल को डाउन करते हैं और हमारे खून को, जिसके ज्यादा फोड़े फुंसी होते हैं तो उसके खून को ये साफ करते हैं, वेट रिड्यूस कर देते हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल ठीक कर देते हैं। तो इसी तरह से इसके और भी कई फायदे हैं। ये देखिए, हमारी चाय में उबाल आ गया है। इसके अंदर चाहो तो आप थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं। अभी पत्तों का इफेक्ट सारा पानी में आ जाएगा, तब इन पत्तों का कलर चेंज हो जाएगा। जामुन के पत्तों का कलर चेंज हो गया है, मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। इन पत्तों को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारे जामुन के पत्तों की टी को हम स्ट्रेन कर लेते हैं। टेस्ट के अनुसार मैं इसमें काला नमक ऐड कर रही हूँ। और ये हमारी रेडी हो गई है जामुन के पत्तों की चाय। हम इसको सर्व करेंगे एक सुंदर से ग्लास में या कप में। ये देखिए, ये हमारी जामुन की चाय रेडी है। इसके साथ आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। एप्पल खाइए, ऑरेंज खाइए, गुआवा खाइए, किसी भी फ्रूट के साथ आप ये टी ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय।